राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये पार्लर से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पार्टी में जाना था, बहन की इंगेजमेंट थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आईब्रो बनवा लूँ। फिर मैं आके मैंने अपनी ड्रेस डिसाइड करी। पहले मैं सोच रही थी साड़ी पहन लूँ, लेकिन नहीं, साड़ी मैंने नहीं पहनी। मेरी तबीयत भी उस टाइम नहीं ठीक थी, तो मैंने सूट पहना। और ये सूट ब्लू कलर का है और काफ़ी अच्छा सूट था, तो मैं इसमें सोच रही थी क्या जाएगा। तो कंट्रास्ट में मैंने ये अपना सेट निकाल लिया और ये एयरिंग्स देख रही थी जो कि बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं यही सेट पहन लूँ क्योंकि आजकल मैचिंग मैचिंग नहीं, थोड़ा कंट्रास्ट में चलता है ना। तो फिर मैंने यही पहन लिया और फिर उसके बाद मैं पहुँच गई सीधे फंक्शन जहाँ पे था, तो वहीं मिलते हैं। सो गाइस, मीट माय सिस्टर। हाय। हेलो हेलो गाइस, कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे ऑडियंस से? ये मेरी बहन है, बड़ी बहन है। ये मेरी छोटी सिस्टर है और बहुत ही शैतान रही है छोटे में, समझ में आया। पहले हम दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जब से थोड़े बड़े हुए, शादी हो गई, तब से हम लोगों को वैल्यू पता चली। तब से वैल्यू पता चली कि मैं और बहन, जब तक आपस में रहते हैं तब तक लड़ाई होती है, जब दूर हो जाते हैं तो बहुत प्यार हो जाता है। ये सो फ्रेंड, बहन से तो मिल लिया था। ये मेरा लुक है, कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। और ये है बहन की एंट्री। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यस, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर ये इसकी एंट्री हो गई थी, हम लोग चले गए थे खाना खाने। और ये कैसी लग रही थी जरूर बताइए। सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मेरे ताऊ जी हैं और मैंने इनसे बोला कि हेलो कर दीजिए, तो ऐसे आप देखिए हाथ हिला रहे हैं। और फिर हम लोग इसके बाद खाने चले गए, तो हम लोग ने भी खाया थोड़ा बहुत और ये मिठाई। तो अब मैं दूसरी कोई चीज़ खाने जा रही हूँ। सो गाइस, ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग फंक्शन में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं तो हम लोग दबा के खाते हैं, तो हम लोग ने दबा के खाया। फिर उसके बाद में मिली जीजू से, आप मिल गई। और जीजू बताइए, आपको मेरे से मिलके कैसा लगा? अन्नू, इंतजार था मेरा, इंतजार बेसब्री से मेरा ये इंतजार कर रहे थे। और आखिर जीजा अपनी साली का इंतजार करते हैं, पत्नी का नहीं करेंगे, जीजा अपनी साली का इंतजार करते हैं। साली है ही भी अच्छी, नो डाउट। मेरी बहन भी अच्छी है। दीदी कुछ खाएंगे? हाँ अभी खाएंगे। सो फ्रेंड, फंक्शन तो ऑलरेडी हो ही रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। और कुछ बरीक्षा की मैं नहीं ले पाई, लेकिन मैं पिक डाल दे रही हूँ। बरीक्षा इससे पहले हुई थी, तो ये है लड़का। और फिर लड़का लड़की दोनों की एंट्री हुई और दोनों कितना शर्मा रहे हैं। होता है, ये तो होता है ना, पूरी फैमिली के साथ फिर एकदम से दोनों का आना। और ये जो कैमरे वाले होते हैं ना, ऐसे देखिए, उधर देखिए, ये करिए, वो करिए, तो इसमें तो और पानी पानी हो जाओ। तो काफ़ी अच्छा था फंक्शन और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कोमल, तुम बहुत सुंदर लग रही थी, थू थू नजर न लगे टचूर। उसके बाद फिर इंगेजमेंट हो रही थी, तो बने रहे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, सारे फंक्शन हो गए थे, इंगेजमेंट, गोदभराई, परीक्षा, और ये कुछ झलकियाँ, कुछ मेमोरी जो कि मेरे ब्लॉग में हमेशा रहेंगी। जीजू, दीदी लोग, भाई लोग, सब लोग। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।